नमस्कार, दिस इज ध्रुव ज्योति शाह वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे आई एम बैक विथ माय मोस्ट फेवरेट सुपर सीरीज यूनिवर्सल नॉलेज एंड टुडे माय टॉपिक इज अमर चित्र कथा। व्हाट इज अमर चित्र कथा? अमर चित्र कथा ये क्या है? यह है एक कॉमिक स्ट्रिप का नाम। अमर चित्र कथा इज द नेम ऑफ अ कॉमिक स्ट्रिप। इट वॉज स्टार्टेड लॉन्ग बैक अराउंड 1965 बाय मिस्टर अनंतराम, बट इट वॉज स्पीयर हेडेड फर्दर बाय मिस्टर अनंत पाई, और एज मेनी पीपल कॉल हिम अंकल पाई, बट सैडली ही इज नो लॉन्गर देयर। बट वॉट अ लेगेसी ही हैज लेफ्ट बिहाइंड। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये जो कॉमिक स्ट्रिप है अमर चित्र कथा, इसकी जो भूमिका है या इसका जो इंट्रोडक्शन है, बहुत साल पहले दूरदर्शन में एक क्विज कंपटीशन हो रहा था और हमारे देश के जो बच्चे थे वो अच्छे अच्छे जवाब दे रहे थे। और जहाँ तक पौराणिक कथा है ग्रीस का, यूनान का जो पौराणिक कथा है वहाँ से अच्छे जवाब दे रहे थे। लेकिन जब उन्हें प्रश्न पूछा गया हमारे भारतवर्ष के बारे में, हमारे देश के कल्चर के बारे में, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तब मिस्टर अनंत पाई ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए, मिस्टर अनंत पाई सिर्फ दो साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता और माता को खो दिया, लेकिन उनका एक रिश्तेदार उन्हें बड़ा किया और पढ़ाई लिखाई में वो एक स्कॉलर थे, वो एक केमिकल इंजीनियर बने। लेकिन उनका बचपन से ही लगाव था कॉमिक स्ट्रिप के बारे में। तो 1967 में उन्होंने अपने मेहनत और लगन से ये कंपनी को बनाया, अमर चित्र कथा, और उस वर्ष से अमर चित्र कथा कॉमिक शुरू हुआ। तो इससे पहले कनाडा में कुछ 10 कॉमिक स्ट्रिप निकले, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में मिस्टर अनंत पाई ने इसको जोर दिया और आज करोड़ों कॉपियां छप चुका है। अमर चित्र कथा की खासियत क्या है? अमर चित्र कथा जो कॉमिक्स है वो आपको जानकारी देगा तीन विषयों के बारे में। पौराणिक कथा यानी कि माइथोलॉजी, फिर इतिहास अर्थात हिस्ट्री, और हमारा साहित्य यानी कि लिटरेचर। मुझे कॉमिक्स पढ़ने की आदत है बचपन से। मैं 40 सालों से अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जैसे दूसरे कॉमिक स्ट्रिप्स है, जैसे इंद्रजाल कॉमिक्स थे, फैंटम, मैंड्रेक, बहादुर, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर था फ्लैश गॉर्डन। उसके बाद इंडियन बुक हाउस सुप्रीमो कॉमिक निकाला जिसमें सुपर हीरो थे अमिताभ बच्चन, वो भी मैंने पढ़ा। लेकिन यदि आप मुझे पूछेंगे, जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है, टार्जन है, इन सब कॉमिक्स को मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन यदि आप मुझे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट कॉमिक स्ट्रिप क्या है, वो है अमर चित्र कथा। उसका कारण यह है, क्योंकि ये पांच कारण मैं आपको बताता हूँ कि अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ने के फायदे क्या है। पांच कारण, उस पर ध्यान दीजिए। यदि आप अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ेंगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, खास करके हमारे देश के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, वो दूसरा कॉमिक स्ट्रिप में आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा कॉमिक स्ट्रिप आपको सिर्फ मनोरंजन दे सकता है, लेकिन अमर चित्र कथा आपको शिक्षित कर सकता है हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि अमर चित्र कथा आपको मनोरंजन भी देगा, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी। क्यों? क्योंकि एक कॉमिक स्ट्रिप में तस्वीरें होते हैं, एक नैरेटिव होता है, डायलॉग्स होते हैं, तो एक के बाद एक सीक्वेंस होता है, तो ज्ञान के साथ साथ ये आपको मनोरंजन भी करता है उन चित्रों के द्वारा। और जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कोई लोग कहते ना मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बड़े बड़े किताब कौन पढ़ेंगे, 32 पेज का अमर चित्र कथा कॉमिक्स को पढ़िए, तो वो पढ़ने से आपको पढ़ने को भी अच्छा लगेगा, आपके रीडिंग हैबिट्स अच्छे हो जाएंगे। और अमर चित्र कथा पढ़ने से आपको नैतिक शिक्षा प्राप्त होगा, हमें जीवन में क्या करना है, हम कैसे अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में दिखा सकते हैं, यह अमर चित्र कॉमिक्स में, कथा कॉमिक्स में आपको मिलेगा।
और थोड़ा आपको अलग से सोचने में आपको मदद करी। मैं कुछ आपको नमूना दिखाता हूँ अमर चित्र का, कॉमिक्स में क्या क्या है। यह मेरा जीवन का सबसे पहला कॉमिक है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं जब सिर्फ 6 वर्ष का था। बड़े होने के बाद इस कॉमिक स्ट्रिप को मैंने खरीदा, गोपाल एंड द कावर्ड, मुझे अच्छी तरह से याद। सो दिस वॉज माई फर्स्ट कॉमिक व्हेन आई वाज जस्ट 6 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मेरा जो सबसे फेवरेट कॉमिक स्ट्रिप है वो है ये पौरवा एंड अलेक्जेंडर। मुझे बचपन से सिकंदर के बारे में जानने का बहुत शौक था, इच्छा था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रिप व्हेन अलेक्जेंडर विजिटेड इंडिया एंड ही हैड अ टसल विद पोरस। सो पौरवा एंड अलेक्जेंडर, वेरी गुड इलस्ट्रेशंस। देन अमर चित्र कथा हैज ऑल्सो ब्रॉट आउट अ कॉमिक फ्रॉम उपनिषद्स, स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद्स। वॉट कैन यू लर्न फ्रॉम द उपनिषद्स? दिस इज स्टोरीज ऑफ विजडम, हम बुद्धिमान इंसान कैसे बने उसके बारे में कहानियां हैं। ट्रू फ्रेंड्स, हमारे सच्चे मित्र कौन है? और ये बहुत ही बढ़िया, तो गीता ये भी कॉमिक स्ट्रिप में। तो मैं ये आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अमर चित्र कथा बचपन से 40 सालों से मैं पढ़ते आया हूँ, मैं अब भी पढ़ता हूँ। तो अमर चित्र कथा कॉमिक्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ओके, तो इसलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ, यदि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है लेकिन अमर चित्र कथा कॉमिक्स को प्लीज़ पढ़िए, और यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो इनको तो पढ़ना ही चाहिए। तो 5 फायदे क्या है, व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग अमर चित्र कथा कॉमिक्स? फर्स्ट, यू गेट एडुकेटेड अबाउट द इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड, इट गिव्स यू एंटरटेनमेंट, ये आपको मनोरंजन देता है। थर्ड, इट इम्प्रूव्स रीडिंग हैबिट्स, आपका जो पढ़ने का जो तरीका है उन आदतों को बेहतर बना देता है। चौथा, इट टीचेस गुड मॉरल्स, हमें नैतिक शिक्षा देता है। और पांचवा है, इट हेल्प्स यू टू थिंक डिफरेंटली, आपको थोड़ा अलग सोचने में मदद करता है। तो हाँ दोस्तों, मेरी दिल से आपकी इच्छा है कि आप अमर चित्र कथा कॉमिक्स को पढ़िए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।